बदतमीजी करना। भीड़ को मैनर्स का सबक सिखाता हुआ ये कोई आम इंसान नहीं है बल्कि एक मंदिर का वो पुजारी है जिसने शायद धर्म तो पढ़ लिया है लेकिन धर्म में मैनर्स का सबक नहीं पढ़ा। ये भले ही महिलाओं को पूजने का सबक सिखाता हो लेकिन इसकी हरकतें देखकर महिलाएं ही नहीं बल्कि पुरुषों का भी गुस्सा फूट पड़ा। धर्म का ठेकेदार बन करके एक मंदिर में पुजारी का काम देख रहे इस युवक को लोगों ने एक छोटी बच्ची के साथ अश्लील हरकतें करते हुए पकड़ लिया और फिर इसकी जमकर कुटाई करते हुए वीडियो भी बनाते रहे। इस वीडियो में ये पुजारी कान पकड़कर माफी मांगता रहा। अब इस दरिंदे पुजारी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही ये वीडियो दरअसल उत्तर प्रदेश के हापुड़ की है। यहाँ रामलीला मैदान के मंदिर में खेल रही एक 7 साल की बच्ची के साथ वहाँ के पुजारी ने छेड़छाड़ की। जानकारी होने पर बच्ची के परिजनों ने पहले तो पुजारी की जमकर धुनाई की और फिर उसको पुलिस को सौंप दिया। स्थानीय लोगों के मुताबिक पीड़ित बच्ची सोमवार की शाम को मंदिर के बाहर दूसरे बच्चों के साथ खेल रही थी। अमूमन जैसे कि बच्चे शाम को खेलते ही हैं। इसी दौरान पुजारी ने उस बच्ची को देखा और प्रसाद देने के बहाने से उसे मंदिर में बुलाया और वहीं पर उसके साथ छेड़खानी करने लगा। आरोपी के चुंगल से छूटने के बाद पीड़ित बच्ची घर पहुंची और अपनी माँ के पास जाकर पूरी कहानी बयां कर दी। इसके बाद बच्ची के परिजनों ने और उसके आसपास के लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर पुजारी को दबोच लिया, उसके बाद उसकी जमकर पिटाई की। यही नहीं, इस दौरान मौके पर मौजूद किसी व्यक्ति ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दी। ये वीडियो इस समय खूब वायरल हो रही है। बच्ची ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि आरोपी पुजारी ने ये हरकत कोई पहली बार नहीं की है। पुजारी ने इससे पहले जन्माष्टमी के दिन भी उसे पकड़ लिया था और उसके साथ अश्लील हरकतें की थी। उस समय बच्ची ने घटना की जानकारी अपने परिजनों को नहीं दी थी। इससे आप समझ सकते हैं कि उसे समय पर अगर बच्ची अपने परिजनों को बता देती तो शायद आरोपी का मनोबल ना बढ़ता और दोबारा वो इस तरह की हरकत नहीं दोहराता। लेकिन बच्ची शायद समझ ना पाई हो या किसी कारणवश अपने परिजनों को ना बता पाई हो, जिसके चलते आरोपी ने फिर से इस घटना को अंजाम दिया। वहीं पीड़ित बच्ची के परिजनों ने उसे जमीन पर गिराकर लाठी डंडों से खूब पीटा। हापुड़ पुलिस के अनुसार आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है। आरोपी के खिलाफ संदिग्ध धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया है। एक अलग चीज होती है, आप लोगों को मैनर्स नहीं है।